उधर एल्विश यादव को गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है। एल्विश यादव बीते रविवार को जेल गए थे। वो अगले दिन सोमवार को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में पेश होने वाले थे, लेकिन उससे पहले वकीलों ने हड़ताल कर दी। लंबी हड़ताल के बाद शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें एल्विश यादव को जमानत मिल गई है। जिला न्यायालय में गुरुवार को भी एल्विश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। पुलिस द्वारा धाराएं बढ़ाने की वजह से ऐसा हुआ। न्यायालय ने सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की थी। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने रविवार को एल्विश यादव को सांपों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया, जहां पर डीसीपी एसीपी और थाना प्रभारी एल्विश यादव से पूछताछ कर रहे हैं। रिपोर्ट में सांपों की तस्वीर का मामला सही साबित हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। रविवार को एल्विश यादव को हिरासत में ले लिया गया। रेव पार्टी मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्टर 20 थाना पुलिस एल्विश यादव से पूछताछ की। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के एनिमल वेलफेयर ने एफआईआर कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेक्टर 49 इलाके में रेड की थी। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए थे। पुलिस को मौके से 20 मिलीमीटर स्नेक वेनम और 9 जहरीले सांप मिले थे। उनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोमुहा सांप और 1 और स्नेक शामिल था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि एल्विश यादव की पार्टी में वो सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे। उसके बाद अब सेक्टर 49 कोतवाली पुलिस ने एल्विश के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली थी।